अब नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर फास्ट न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए दो दिवसीय दौरे पर रूस के कजान शहर रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होगी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात संभव। ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी विवाद पर भारत को बड़ी सफलता, सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर चीन के साथ बनी सहमति, सेना वापसी को लेकर भी हुई रजामंदी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा, यहां सिकंदराबाद इलाके में सिलेंडर फटने से एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में से 3 महिलाएं भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते आज से लागू होगा ग्रैप 2। पार्किंग फीस में की जाएगी बढ़ोतरी, डीजल जनरेटर पर लगेगी रोक, सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों के साथ मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की हुई बैठक, सूत्र के मुताबिक 96 सीटों पर हुआ मंथन, 25 अक्टूबर को बैठक में हो सकता है अंतिम फैसला। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 21 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान, जामताड़ा से इरफान अंसारी, रामगढ़ से ममता देवी को टिकट। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त, डीसीडब्ल्यू के सहायक सचिव ने जारी किया आदेश, एलजी की मंजूरी पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़, गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों पर किया हमला और किया ढेर, एक जवान भी घायल। शिमला के संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू कर दिया, इसके लिए संजौली मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड की अनुमति मिल गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए मौके पर पहुंची एनआईए की टीम, टेरर अटैक मामले की करेगी जांच। गांदरबल आतंकी हमले पर बोले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। गैर स्थानीय मजदूरों पर आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, मैं निहत्ते निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आतंकी हमले पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हालात जरूर सुधरेंगे। दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का स्तर, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 के पार, वहीं अक्षरधाम के आसपास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 के पार, एम्स एरिया में प्रदूषण का स्तर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, इसके अलावा दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत कम होने का नाम नहीं ले रही, कालिंदी कुंज इलाके से गुजर रही यमुना में जहरीली झाग को देखा जा रहा है। और अब विस्तार